हैं। यहाँ पर मैंने एक बगुना ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे करीब हाफ कप मस्टर्ड ऑयल या राई का तेल, थोड़ी सी नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज के प्याज को पतला पतला स्लाइस कर लिया है। गैस को कम ज़्यादा करके प्याज को हमें अच्छे से फ्राई कर लेनी है। ये देखिए प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है, यानी प्याज की हमें बेरेस्ता बना लेना है, जैसे हम बिरयानी में डालते हैं ना। फ्राई होने के बाद आप एक टिश्यू में या एक पेपर में निकाल लें। फिर हम इसमें डालेंगे 2 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 2 टुकड़ा दालचीनी, 1 तेज पत्ती, थोड़ी सी जावित्री का फूल। अच्छे से इसे मिला लेंगे खुशबू आने तक। फिर हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। यहाँ पर मैंने 700 ग्राम चिकन को धो के अच्छे से पानी छान लेना है हमें। सारे चिकन हम इसमें डाल देंगे और गैस को कम ज़्यादा करके 6-7 मिनट चिकन को हमें फ्राई करनी है। जब तक चिकन हमारा फ्राई हो तब तक हम मसाला बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है। पैन को पहले अच्छे से गर्म करेंगे, फिर हम गैस को कम कर देंगे और इसमें डालेंगे थोड़ी सी दालचीनी, 4 हरी इलायची, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी जायफल, 6-7 लौंग, 1 बड़ी जावित्री का फूल, 1/2 चम्मच सौंफ। अब हम इसे लो फ्लेम पर 1 मिनट तक भूनेंगे। 1 मिनट हमने इसे भून लिया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे, मसाला को इसी में ही रखेंगे और ठंडा होने के बाद हम इसका पाउडर कर लेंगे। यहाँ पर देखिए चिकन को हमने 6-7 मिनट गैस को कम ज़्यादा करके फ्राई किया है। मसाला के साथ में अगर आप चिकन को फ्राई करते हो ना तो अंदर तक इसका फ्लेवर चला जाता है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का फ्रेश पेस्ट। फिर हम इसे 3-4 मिनट चिकन के साथ में भूनेंगे। यहाँ पर भी गैस को हम कम ज़्यादा करके भूनेंगे ताकि मसाला नीचे चिपक ना जाए। इसके बाद हम ऐड करेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, तीखा आप अपने हिसाब से भी कम ज़्यादा कर सकते हो। नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाला मिक्स करते समय गैस को हमें एकदम कम रखना है। देखिए मसाला अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। मैंने यहाँ पर 1 कप दही को अच्छे से फेंट लिया है, तो दही डाल देंगे और दही को भी चिकन के साथ में अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जब आप दही ऐड करें तो गैस को बंद कर दे या तो एकदम कम कर दे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच मसाला, जो मसाला हमने अभी पीसा था। 2 चम्मच मसाला डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अभी तक हमने चिकन में पानी ऐड नहीं किया है। पानी अगर कम है तो आप इस समय 1/2 कप पानी ऐड करें। इस चिकन कोरमा में ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, तो पानी कम था इसके लिए मैंने 1/2 कप पानी ऐड किया है। अच्छी तरह हम इसे मिला लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद गैस को हम लो मीडियम फ्लेम कर देंगे और इसे ढक के 10 से 12 मिनट तक पकने देंगे। जब तक चिकन हमारा पके तब तक थोड़ी मसाला और बना लेते हैं। एक ग्राइंडिंग जार में हम 7-8 काजू लेंगे, 7-8 अलमंड लेंगे, इसका हिंदी नाम मुझे याद नहीं आ रही है, थोड़ी सी पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से पीस लेंगे। 10-12 मिनट के बाद चिकन को एक बार फिर से ढक्कन हटा के हमें मिक्स कर लेना है। देख रहे हो इसका कलर कितना अच्छा आया है ना फ्रेंड्स। अच्छी तरह हमने इसे मिला लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे क्रश किया हुआ प्याज। जो प्याज को हमने फ्राई किया था इसे हमने मिक्सर ग्राइंडिंग में क्रश कर लिया था। सारे प्याज को डाल देना है और जो बादाम हमने पीसा था वो भी हम इस वक्त डाल देंगे। 1 चम्मच केवड़ा वाटर डालेंगे। केवड़ा वाटर अगर आपके पास नहीं है तो रोज़ वाटर भी डाल सकते हो, मगर केवड़ा वाटर बेस्ट होता है। अच्छी तरह हमने इसे मिला लिया है। फ्रेंड्स अभी तक अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।
पाँच छः मिनट हमने इसे ढक के पकाया। पाँच छः मिनट के बाद ढक्कन को हटाएंगे और इस समय हम छोटा 2 चम्मच पिसी हुई मसाला ऐड करके इसे फिर से एक बार हम अच्छी तरह मिला लेंगे। तो हमारा देगी चिकन कोरमा बनके तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, इस तरह से एक बार बनाकर खा के देखिए, सच में आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए इसका ग्रेवी देखिए, और चिकन एकदम से गल गया है, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी लगता है। एक बार आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए रेसिपी के